का खून बहाया, उस खून की कीमत चुकाने के लिए हमने गर्दनी बाग में अपने पार्टी के साथ आंदोलन किया। उस आंदोलन के तहत हमारे ऊपर नाफरमानी का इल्जाम लेके इस हुकूमत ने मुकदमा करके हम लोगों को हौसला को पस्त करने का काम किया। दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि फांसीवादी ताकत ने बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ ही अपना दस्तक दे चुका है। दोस्तों, हम लंबे समय से हमारे कम्युनिस्ट ताकतों के साथ और जनवादी ताकतों के साथ इन शैतानी ताकतों को रोकने की लड़ाई हम लोगों ने जारी रखी है। दोस्तों, आपको मालूम होगा हमारे साथी विधायक बंगाल के कह रहे थे कि मुसलमान को निशाना बनाने के बहाने, बिल्कुल नहीं, निशाना सीधा सीधा मुसलमानों का था। मुसलमानों को निशाना नहीं, मुसलमानों को ही निशाना बनाया। लेकिन वो आपने सुना है ना, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। निशाना चूक गया उनका सामने, और निशाना चूकने के बाद 19,07,000 एनआरसी से फाजिल जो लोग शिनाख्त किया गया, उनमें 13,60,000 गैर मुस्लिम थे। तभी इनको दीन में सितारे दिखाई पड़ने लगे, तभी इन्होंने सीए बिल लाया। दोस्तों, एनआरसी की घोषणा इन्होंने पहले ही कर दी थी। दोस्तों, इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं आपको, जब एनआरसी की चर्चा जनता में बहुत ज्यादा नहीं थी, पब्लिक डोमेन में नहीं था, तभी हम लोगों ने इनकी आहट महसूस की थी। और पिछले नवंबर के छोटा सेशन में 26 नवंबर को हम लोगों ने भाकपा माले की रहनुमाई में संयुक्त विपक्ष की एकजुटता के साथ, हस्ताक्षर के साथ एनआरसी के खिलाफ में बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया था। दोस्तों, उस वक्त राजनीति के गलियारों में भी और राजनीति के गंभीर जानकारों के बीच में ही एनआरसी की जानकारी थी। इसलिए ये बात साफ साफ हो जाना चाहिए कि निशाना उनका मुसलमान का था, इसलिए कि फांसीवादियों को अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एक पारा निशाना करना हुआ। वो निशाना हिटलर ने यहूदी को बनाया जर्मनी में, वो निशाना नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मुसलमानों को बनाया। लेकिन जो तरीका उसको अपनाया, उस तरीका में फंस गया। दोस्तों, आज सैकड़ों बरस तक इस देश में रहने वाले लोगों के बीच में, आप जानते हैं, आप लोगों के बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दादा परदादा का नाम तक जानते हैं। तो आप खुद हैं, आपके पिताजी हैं और आपके दादा है, परदादा है, अगर 5 पीढ़ी का नाम जानते हैं आप, 300 साल से ज्यादा वक्त से इस जमीन में आप बसवास करते आ रहे हैं।